भाजपा की आत्ममुग्ध प्रोपगेंडा सरकार के पास भी धरातल को में दिखाने को कुछ है नहीं, और इसीलिए उन्हें मोदी जी की विफलताओं को छुपाने के लिए बार बार ब्रांडिंग और रीब्रांडिंग करनी पड़ती है। क्योंकि, और देखिए कितनी बार करनी पड़ी है, 2013 में कहा 80 लाख करोड़ काला धन 100 दिन में वापस लाएंगे इसलिए मुझे चुनिए, 2013 में फिर कहा 15-15 लाख सबके खाते में जमा करवाएंगे इसलिए उनको चुनिए, 2014 में कहा अच्छे दिन आने वाले हैं, 2015 में कहा सबका साथ सबका विकास, 2016 में कहा न्यू इंडिया बनाएंगे, 2017 में कहा मेरा देश बदल रहा है, 2018 में कहा साफ नियत सही विकास, और 2019 में कह रहे हैं मैं भी चौकीदार। अपनी निश्चित हार से बौखलाए और घबराए मोदी जी अपने चुनावी नारे को इतनी बार बदल चुके हैं जितनी बार उन्होंने 10 लाख का सूट और अपने 5,000 परिधान भी नहीं बदले होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने जब प्रधानमंत्री मोदी के चोरों का चौकीदार होने की सच्चाई जग जाहिर कर दी, जब ढोल की पोल खुल गई और राफेल की चोरी पकड़ी गई, तो अब चोरों का चौकीदार नया ढोंग रच रहा है। गरीबों से चोरी कर अमीरों के खाते में डालना मोदी जी की नीति रही है, इसीलिए तो पूरे देश में चौकीदार चोर है का नारा गूंज रहा है, क्योंकि इस चौकीदार की दाढ़ी में तिनका है। सारा देश पुकार पुकार कर कह रहा है जिसने राफेल चोरी की चोर है, जिसने विजय माल्या को देश से भगाया वो चौकीदार चोर है, जिसने छोटे मोदी नीरव मोदी व उसके मामा मेहुल चौकसी से बैंकों का 26,000 करोड़ लुटवाया वो चौकीदार चोर है, जिसने देश के बैंकों से ठगी करने वाले लोगों के हाथों से 1,00,000 करोड़ लुटवाया वो चौकीदार चोर है, जिसने 20,000 करोड़ का GSPC घोटाला करवाया वो चौकीदार चोर है, जिसने छोटा मोदी नंबर 1 ललित मोदी को देश से भगाया वे विदेशी पासपोर्ट भी दिलवाया वो चौकीदार चोर है, जिसकी पार्टी के अध्यक्ष के बैंक में नोटबंदी के चलते चुनिंदा लोगों ने 5 दिन में 745 करोड़ पैसा जमा करवाया वो चौकीदार चोर है, जिसने मुट्ठी भर पूंजीपति मित्रों का 3,17,000 करोड़ बैंक कर्ज माफ करवाया वो चौकीदार चोर है, जिसने 36,000 करोड़ के छत्तीसगढ़ PDS घोटाले की जांच में अड़ंगा अड़ाया वो चौकीदार चोर है, जिसने 69,381 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम घोटालों को दबाया वो चौकीदार चोर है, और जिसने देश में संस्थागत भ्रष्टाचार करवाया वो चौकीदार चोर है, और वो लोग आज खुद को चोरों के चौकीदार को की वाहवाही करने से थक नहीं रहे। दोस्तों, पवित्र ग्रंथ रामायण में लिखा रावण आया था साधु बनकर, मारीच आया था हिरण बनकर, कालनेमी आया था ऋषि बनकर, लूटपाट और अपहरण के उद्देश्य से युग युगांतर से छलने वाले भेष बदलकर आते रहे हैं, और वर्तमान में भी अलीबाबा
यानी मोदी बाबा और 40 चोरों की टोली है जो अपने नाम के आगे चौकीदार लगाकर घूम रही है। लाइक शेयर एंड कमेंट टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज प्रेस द बेल आइकन।